तो कैसे हो गए, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आजकल बात की जा रही है कि यार गूगल एडसेंस के जो लिमिटेड ऐड का इशू जो है ना, वो क्या चीज़ है, क्यों आ रही है। इसके ऊपर हर बंदा परेशान हो चुका है, क्योंकि चाहे बात करें प्रो की, चाहे बात करें बिगनर्स की, सभी के साथ ये इशू आ रहा है कि मोस्टली उनके एड्स नहीं अपीयर हो रहे। तो इनके पीछे इशू क्या है, आपने अगर एडसेंस अपना लॉगिन किया होगा तो आपको यहाँ पर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई जा रही, और साथ ही आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार के अंदर लिमिटेड एड्स का एक दिखाया जा रहा है। कोई इसके अंदर गाइज आपको मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूँ इसमें इशू क्या है। इससे पहले भी एक इशू बना था वेस्टर्न यूनियन का, कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट खत्म हो रही, जबकि वो एक आई थिंक फेक थी न्यूज़, जो कि उसके बाद वो ख़त्म कर दी गई थी उनकी गूगल एड्स की तरफ से। बट यहाँ पर मैं कोई साइड भी दिखा दूँ, कुछ लोग इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि भाई साइड के अंदर लिमिटेड ऐड आ रहे हैं। तो लिमिटेड भी ऐड नहीं आ, लिमिटेड का मतलब है कि बिल्कुल ऐड नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर लिमिटेड का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर, मैंने अपने साइड की बात करूँ तो मेरी साइड पर किसी जगह भी ऐड यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा, चाहे पोस्ट की बात की जाए, पेजेस की बात करी जाए, कैटेगरी की बात की जाए, मतलब किसी जगह पे किसी टाइप का भी ऐड नहीं आ रहा। अब इसकी रीज़न के पीछे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जिनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है उनके ऊपर सिर्फ ये इशू आ रहा है। तो ऐसे ये भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास जो इस वक्त मेरी साइट की ट्रैफिक है, इसमें मेरे पास जो 70% से ज़्यादा मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है मेरी साइट के ऊपर, मैं SEO के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू जो है वो उनकी पॉलिसीज की तरफ से, ये हमें बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर वेल मैं आपको सबसे जल्द दिखा दूँ अपनी साइड की ट्रैफिक, ताकि आपको पता चल जाए कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिनके नहीं है सिर्फ उनके हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हैं, मेरी जो मोस्टली ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, देखिए 70+ ट्रैफिक है मेरे पास, ठीक है। तो ये बात नहीं कर सकते कि भाई जिसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है तो उसके पास मतलब लिमिट से ऐड है, इस ये इशू बिल्कुल नहीं है। अब इशू होने का जो बहुत सारे लोग जो बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके जो हमने डिस्कशन करने के बाद हमें जो चीज़ पता चली है, ये यूट्यूब की द्वारा एक मतलब एक नई कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है, ताकि आपको एक्यूरेट जो एड्स दिए जाए। मोस्टली आपने ऐड देखा होगा, जो आपको कंटेंट लिख रहे हैं उसके आपको ऐड डिफरेंट दिए जा रहे हैं। इसको लेके ना बहुत सारा गूगल एडसेंस के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से अभी लिमिटेड ऐड का इशू आ रहा है, और वह ओवरऑल सभी पे आ रहा है। मतलब ये नहीं है कुछ लोग कह रहे थे कि यार मेरी साइड पे लिमिटेड ऐड का इशू आ गया, ये सभी पे है। मतलब गूगल आपको कहना चाह रहा है कि भाई हम आप जो अकाउंट के ऊपर है ना अभी लिमिटेड ऐड दे रहे हैं, मतलब अभी ऐड नहीं दे रहे, वो उनका अपना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। अब ये उनका एक्सपेरिमेंट कब ख़त्म होगा, कैसे उनका जो भी ये सर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं, वो कब ख़त्म होगी वो जल्द हमें बता दिए जाएंगे। जाहिर सी बात उनकी पुलिसेस के अंदर वो जल्द हमें बता देंगे। अभी इस वक्त उन्होंने लिमिटेड ऐड कर दिए हैं सभी के लिए, ये मतलब ये जो कुछ अपनी मतलब कहे जा रहे हैं कि ना भाई ट्रैफिक जिसके पास नहीं है, तो भाई यहाँ पर देख लो मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो मेरे भी नहीं ऐड आ रहे, तो इसलिए इस चीज़ से परेशानी होना। अगर आपके ऐड नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देख लो मेरे साइड के ऊपर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, किसी जगह कोई ऐड नहीं है, बिल्कुल जहाँ पर ऐड आता है वो वहाँ पर जगह खाली है, और यहाँ पर प्रॉपर एक्टिविटी भी ज़ीरो चल रही है, ठीक है। और नोटिफिकेशन सभी को गया है, तो आपने परेशानी होना, वेट करना है कि कब ये इनकी लिमिटेड ऐड का इशू ख़त्म होगा तो हमारे प्रॉपर ऐड स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका ये कोई बड़ा इशू नहीं है, जो लोग बहुत बना चुके हैं और लोग इसके लिए पे कर रहे हैं, यार थोड़ा सा मतलब आई थिंक हमें दिमाग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा है वो पे कर रहे हैं, यार मेरे कैसे फिक्स करूँ, मेरे तो ऐड नहीं आ रहे, आप मुझे पैसे ले लें, चार्ज कर लें और ये ऐड चला दें। भाई ये सभी की यही इशू है, तो आप थोड़ा सा वेट करें, अपना कंटेंट रेगुलर पोस्ट करें, ठीक है। और उसके बाद बट ये भी देखा जा रहा है कि आपके जो मोस्ट साइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूवल है, लेकिन उसके ऊपर एड्स बस कुछ कंटेंट कुछ और डाला जा रहा है, एड्स कुछ और है, तो उनको रिव्यू ज़रूर साइट्स को किया जा रहा है, ठीक है। तो ये साइट्स उन रिव्यूज़ में आ रही हैं, बट इसमें इशू कोई नहीं। आप अगर रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो दैट्स इट, यू आर ग्रेट, ठीक है। अपना काम आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपके ऐड वापस आ जाएंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।